मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में मुलायम सिंह यादव हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। देश की राजनीति और सियासत का दूसरा नाम अवसर कहलाता है और इस अवसर का परफेक्ट उदाहरण दे रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और ऐसे ही तमाम पार्टियों को शायद ही केजरीवाल भ्रष्टाचारी का टैग देना भूले हो। जब केजरीवाल क्रांतिकारी और आंदोलनकर्ता से नए नए नेता बने थे तो इन्होंने देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाई थी। वो साल था 2014, जिसमें केजरीवाल ने देश के पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के पूर्व सीएम और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहा था। आज यही अरविंद केजरीवाल उन्हीं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से मिलने राजधानी लखनऊ पहुंचे। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है? ये मुलाकात दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए जाने के बाद समर्थन को लेकर की गई। दरअसल केजरीवाल विपक्ष को जोड़कर मोदी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश विपक्ष को एकजुट कर इसे अध्यादेश को सदन में पास होने से रोकने की है। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर अंकुश के खिलाफ अब केजरीवाल अखिलेश यादव से मिलकर सियासी समर्थन मांग रहे हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ये मुहिम चलाकर लोकसभा 2024 चुनावों की बिसात बिछाकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। 2024 के रण को लेकर हाल के दिनों में कई नेताओं की ओर से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया गया। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जुटाने में लगे हैं। अब ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रयास को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आप और सपा के इस मुलाकात में सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा के साथ अतिशी मौजूद रहे। इस मुलाकात से यही लगता है कि 2024 में सपा और आप गठबंधन कर सकती है। बात अगर यूपी के विधानसभा चुनावों की जाए तो आम आदमी पार्टी पहले भी सपा से गठबंधन करने में जुटी थी। बीते यूपी विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती थी। इस बात को लेकर संजय सिंह ने कई बार अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब बात लोकसभा चुनावों की है तो इस बार खुद केजरीवाल अखिलेश से मुलाकात करने आए हैं। तो क्या इस बार केजरीवाल और अखिलेश की मुलाकात से गठबंधन की बात बनेगी या फिर साल 2014 में दिया गया केजरीवाल का बयान गठबंधन के आड़े आ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।